खबर नरसिंहपुर से है, जहां भीष्म पितामह जयंती के अवसर पर जिला कौरव महासभा द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत बरमान रेत घाट पर स्थित राधेश्याम कौरव धर्मशाला में मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव द्वारा भीष्म पितामह की करीब 10 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि एक संगठन की परिभाषा एक आदर्श संगठन कैसे हो सकता है, इसके बारे में सबको विचार करना चाहिए। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, सही दिशा में सामाजिक परिवर्तन के लिए हम एकजुट होकर उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए। समाज के बड़े बुजुर्गों सहित सभी को युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करना चाहिए, जिससे वे सही रास्ते से भटक न पाए। जब हम युवाओं को सही दिशा देने में सफल होंगे, तभी भीष्म पितामह जयंती मनाने का जो उद्देश्य है वह सार्थक व पूर्ण होगा और समाज निश्चित रूप से तरक्की करते हुए खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा। भीष्म पितामह जयंती समारोह की शुरुआत में सुबह कौरव महासभा के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा भीष्म नगर नया खेड़ा भीष्म पितामह मंदिर में पूजन व आरती कर झंडा वंदन किया गया। बाद में गाडरवारा करेली सहित जिले के अनेक ग्रामों से युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई, जो कि गाडरवारा व करेली के मुख्य मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल बरमान पहुंची, जहां भीष्म पितामह प्रतिमा अनावरण व उद्बोधन श्रृंखला के पश्चात भोजन प्रसादी के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कौरव सामाजिक जन उपस्थित रहे। कि एक युवा पीढ़ी को सही दिशा न होने के कारण कई बार वो भटक जाती है, कई बार शराब इत्यादि अनेक जो बुराइयां हैं उन बुराइयों में वो लिप्त हो जाते हैं। उसके जो दुष्परिणाम है, उसके दुष्परिणाम सिर्फ उस अकेले व्यक्ति पर नहीं होता, उसके दुष्परिणाम है उसके सबसे पहले उसके परिवार पर, समाज पर और अंततः एक व्यापक रूप से वो प्रत्येक जो व्यक्ति जो उसके उसके संपर्क में होता है उसके ऊपर उसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को, हम बुजुर्ग लोग जो बड़े समाज के लोग हैं, वो उनको एक दिशा देने का काम करें। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा युवा साथी है कि जो कहीं भटक गया है, तो उसको सही दिशा देने का काम करें। अगर ये काम हम कर पाए और ये प्रतिज्ञा अगर हम भी अपने जीवन में ले पाए, तो मुझे लगता है कि भीष्म पितामह जी के जयंती मनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य कहीं ना कहीं सार्थक होगा और हम सब निश्चित रूप से बहुत खुशहाल होंगे। मैं नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।